ओ तो मैं रशु वी आर वॉचिंग द आईपीएल एकदम से क्या छोटा मैंने कहा ओ रशु डर गया था ना रशु डर गए थे ना रशु आज खाने में क्या बना अच्छा दाल सब्जी तो गाइस हम लोग देख रहे हैं आईपीएल लाइव अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे यहाँ पे जितने लोग स्ट्रीम कर रहे हैं उस पर हम लोग देख रहे हैं और हम लोग लाइव कमेंट्री भी करते रहते हैं अपने फैंस के साथ बातें भी करते रहते हैं ज्वाइन कर लेना भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है डिस्कॉर्ड सर्वर का हेलो रश्यो आउट हो गया भाई व्लॉगिंग नहीं करोगे चलो भगलो 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 फोन नहीं मिलेगा नो नो अरे देखो मैं फोन ले लेती हूं पापा क्या कर रहे पता है अब मैच देख रहे मैच क्या देख रहे मैं रश्यो ये क्या है पिता है ना लाइट कैसी रही खाना रेडी आपका फटाफट आ जाओ पहले मेकअप तो उतारने दो तो उतार लो कौन सा मना कर रहा हूँ मैं जो अपने भूतिया रूप में भूतिया और क्या लोगों को वो देना मेरे को बहुत रिक्वेस्ट आ रही कोरोना काढ़ा की रेसिपी दे दी बहुत बहुत बढ़िया है और मैं बताता हूँ कोई बताएगा और कौन बताएगा गिलोय फिर लो नीम तुलसी तुलसी खूब सारी सौंठ ड्राई जिंजर हाँ पीपली आयुर्वेदिक दुकान पे मिल जाएगी काढ़ा बना लो और पियो दिन में तीन बार कौन पीता है और अश्वगंधा भी मिला देना है ये तो ये बता छोड़ना क्या क्या है कोई जड़ी बूटी छोड़नी है मेकअप उतार रहा हूँ ये मेकअप प्लस फेस वॉश है ये मेरा पेट मामा अर्थ जो हमारे घर में सारे ही यूज करते हैं ये भी मेरा ये यूज कर लेते रस्सी भी ले लेती है इससे विद इन वन मिनट में मेकअप भी उतर जाता है और फेस वॉश का फेस वॉश भाई ये कौन सी गाड़ी थी चढ़ाने में एक घंटा उतारने में एक मिनट ये तो ना इंसाफी है भाई इसको आपके पति भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो हालत में हो ना और दो घंटे मेकअप उतारने में लग जाए तो जान निकल जाती है मेकअप रिमूव करो फिर फेस वॉश करो मौत तो पता है तेरा कोरोना पड़ा वाला पड़ी जाएगी और ये मोटे बहुत गंदा होता है भाई वो बहुत अच्छा है इतना इफेक्टिव है कि मान लो ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ भाई बहुत अच्छा है मतलब रात को भी जो तीन बार करी ना एक बार भी पी लो मजा आ जाएंगे तुम्हारे शरीर को तुमको नहीं अरे मोटे यार ये कहाँ इसका कैमरा कितना गंदा यार तो थोड़ा सा साफ देख ले कर दिया साफ और बिल्कुल बस कंटेंट है लाइटिंग से फर्क नहीं पड़ता आलसी लोगों के लिए बहुत बड़ी है अगर आप आलसी हैं उससे मोटे शेप हो जाएगी मुझे लगता है कोई इंटरेस्ट नहीं है मोटे हो जाती है आपको बताता हूँ ₹5 कैसे सेव कर सकते हैं मैंने आज तक शेविंग क्रीम इस्तेमाल नहीं की मतलब किया लेकिन बहुत कम मैं क्या करता हूँ नहाने के बाद ही शेव कर लेता हूँ नहाने के बाद मैं साबुन लेके एक्स्ट्रा बाल मुलायम आता हूँ तो वो चीज इससे भी जाएगी दिस इज मामा अर्थ उसको साफ करो मेरा गंदा नहीं करके छोड़ो मामा अर्थ मिसरल वाटर मेकअप रिमूवर है क्या बोला मामा अर्थ आगे माइसिलर वाटर मामा अर्थ माइसिलर वाटर सो यू कैन बाय दिस लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन कोड इज फ्लाइंग बीस 2020 मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल है इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं होता है सो चेक इट आउट नहीं ये सच में बहुत अच्छा है नहीं तो भाई मेरा फेवरेट भाई गिलो नहीं अच्छा ये तो बता दो ये छोटा बेबी किसका है मैं तो ब्लैंकेट यूज नहीं करता रात को ताकि सुबह उठ के ताला लगाना पड़े क्या बात कर रात को ठंड तो लगती है सुकड़ के लेटे थे थोड़ी लगती है बट हमने कहा सह लेंगे थोड़ा और कैसे अच्छा तो सुबह उठ के देखो बिल्कुल तय लगी हुई है देखो कौन लगा सुबह उठ के तय है तुम यूज नहीं करते खल्ले वल्ले क्या मेरा इशू सही करते ना पापा मामा पापा रशु किसका बेटा है तू पापा रशु व्लॉगिंग करना सीख जाओ क्या था ना हमेशा मम्मा पापा करती रहती कुछ और बताओ खाने में क्या बनाया आज डेट क्या बताए 28 सितंबर बोलो वेलकम बैक गाइस और आज हमें दिन में क्या करना है हमें कुछ पता नहीं है ना रशु बस टुडे इज संडे फन डे चलो हो गया इसीलिए तुम उठा गोदी में तुम्हारा डायलॉग होगा तो उत्तर जाओ अब आप भारी हो गए अब आप यार आपको मम्मा ज्यादा गोदी लेती कि पापा नहीं कौन लेता है मामा पापा क्या पापा ब्रश करो ब्रश करो आज पूरा खानदान एक साथ ब्रश करते हुए मेरे किस्मत में गरम चाय है ही नहीं मोटे पता है क्यों वैलेट बैठा तो चाय ठंडी थी गर्म हो गया ये पोटी आ गई समटाइम्स आई फील आई एम जस्ट टर्निंग अप लाइक माय फादर मैं पापा को भेजता था मोटे जैसी चाय थी मम्मी कहती थी अब चाय बन गई है अभी जाएंगे हमारी एक बात हुई थी कि जैसी मीटिंग खत्म हो जाए मेरा ऑमलेट रेडी होना चाहिए मुझे दिखता तो नहीं मोटे रेडी होते हुए व्हाट
गाइस अगर मैं सच बताऊं तो मैं आजकल बहुत ज्यादा टेंशन में हूं, और वो टेंशन किस लिए, मुझे अपनी बीवी से बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि इन मैडम को अभी बताएं क्या नया शौक चढ़ा है, इन मैडम को शौक चढ़ा है कि इनको अपने होंठ चौड़े करवाने। मैं बता रहा हूँ, जब पहले वो लिप जॉब होते थे, बाकी जॉब होते थे, तो वो हॉलीवुड में होते थे, फिर वो बॉलीवुड में आ गए, मतलब ठीक है बॉलीवुड बॉलीवुड, बट लेकिन आप इंस्टाग्राम तक में वो आ गए, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स तक ये जॉब वो जॉब सारे के सारे करवा रहे हैं, और उन जैसों के चक्कर में हम गरीब लोगों का घर में आग लग जाती है गाइस, क्योंकि हमारी बीवियां भी रिक्वेस्ट करती है हमें भी करानी है। भाई ये कौन सी बात हुई, नहीं गलत बात है ना, हम गरीब पति कहाँ से पूरी करें तुम्हारी ये सब डिमांड, कहाँ कह रहा हूँ यार। अरे कल रात को शौक तो चढ़ गया था एक मिनट के लिए, अर्निंग, बट द प्रॉब्लम इज दैट सोशल मीडिया इज सो क्लोजली कनेक्टेड टू रियल लाइफ, जो लोग देखते हैं वो इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं। आप बॉलीवुड से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, क्योंकि बॉलीवुड इज नॉट दैट क्लोजली नेट विद योर रियल लाइफ, एम आई करेक्ट? हाँ, जैसे अगर देखते हो थोड़ा अच्छी लगती है लड़कियों को, लगता है हाँ यार पहले ऐसी लगती थी अभी ऐसी लगती है, अच्छा लग रहा था तुम भी करा रहे हो, होता है ऐसा। मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी शकल देखो, कोई शकल वैसे कौन सा हॉट मोटा करा के अच्छी जानी ऐसी रहनी है वही मैं कह रहा हूँ। मेरी कुंडली में भी लिखा था किसकी नाक टेढ़ी होगी। सब्जी क्या बनी है? दाल बनी है, तो दाल बन रही है, अंडे बन रहे हैं, वेजी मैं खाऊंगा एग्स के साथ, ये मैं चीज डाल दे। रिमूव आउटर पैकेजिंग बिफोर कंजम्पशन, ये कोई पन्नी भी खाया था कोई क्या है? ऐसे भी लोग होते हैं डॉक्टर साहब मम्मा लड़के की पन्नी फंस गई है, अरे आई है क्या क्या देखो, परसों इसने लड़की ने मेरे सारे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट को वॉइस नोट भेज दिया, माँ बेटी ने जानबूझ के उस दिन खोला कैसे डबल, जिस दिन पता पापा नहीं खा सकते, तो अकॉर्डिंग टू द न्यू डेट आई कैन नॉट हैव एनी कार्ब्स टुडे, एंड दैट इज द रीजन दे हैव ओपन दिस कस्टर्ड एप्पल, फ्रिज में 5 दिन से सड़ रहा था। मजा आया था शू, मजा ही आता है पापा हाँ आने भी चाहिए पापा के बिना। मम्मा ने तो सारा आपको ही खिला दिया, मम्मा ने तो खाया नहीं, मम्मा को खिला थोड़ा, मम्मा को पसंद बहुत है, लेकिन फिर भी मम्मा आपको खिलाती है ना रशु, क्योंकि मम्मा आपको प्यार करती है, पापा को पता है, पापा को तो हर चीज में बीच में घुसना है, पापा भी क्या पापा भी, आपको जो पुच्ची करता है गाल पे कौन अच्छी करता है, मम्मा की पापा अभी तो गीली गीली कर दी थी, पुछवा रही थी मेरे से, यहाँ के पलट गई, लेकिन ये भी पुछवा रही थी यार लिटरली, ऐसे मम्मा गीली करती है ना रशु, पोछनी पड़ती है रशु, मैं तो सोच रहा हूँ कि अलग से एक बंडल लेके आऊँ उसका टिश्यू पेपर का, और रितुष पुच्ची क्या भरी होती है, प्यार भरी पुच्ची होती है, बोलो रशु मम्मा आप भी एक खा लो प्लीज, ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी है शबरी और तू छोटा सा राम, और मम्मी तेरे को सारा खिला रही है मन से, मैं पापा ब्लॉगिंग, अरे पूछो नहीं, ये पापा मम्मा बाबू किचन ये इसकी ब्लॉगिंग है, बाबी पापा पापा पेंट पापा पेंट मम्मा रशु ने इसमें सारे किचन के मसाले डाल दिए, अब इसमें कुछ बना रहा है, रशु क्या बना रहे बेटा, क्या क्या बोल रही, एक तो ये बच्चा हमारे घर में, ये बच्चा सो ग्रीन क्या बना रहे, ग्रीन टी, हाय मेरा बच्चा पापा, बिकॉज गाइस आई जस्ट मेड ग्रीन टी इन दिस, तो व्हाट आई डू इज जब मैं ऊपर जाता हूँ ऑफिस में, मैं इसमें ग्रीन टी बनाता हूँ और छोटे कप में पीता रहता हूँ, मैंने अभी इसको रख बोला, तो कहती क्या बना रहे हो, मैंने कहा ग्रीन टी, ग्रीन टी बना रहे पापा के लिए, अरे तो इसको पता चल गया क्या बना रहे हो, ग्रीन टी, अरे तो इसमें इतने सारे मसाले, अच्छा कूट दोगे सारे मसाले इसमें, और इसको फिर क्या करोगे, पानी के साथ बॉईल कर दोगे, हाय मेरा गुड़िया तू तो पापा का कितना ख्याल, ग्लास दे मम्मी ग्लास, अरे वाह भाई लो मेरे से, लो लो लो। So I came down to take a mail message बना रहा हूँ। लोग वैसे बोलते हैं कि शादी के बाद अरे यार पुराने दिनों की याद आ गई, वो भी क्या दिन थे शादी के पहले वो, बट मैं ये घर के साथ तब तक मुझे पुराने दिनों की याद नहीं आती, तो मैं पुराने दिन ही जी रहा हूँ, बैचलर लाइफ खुद ही अपना मैसेज बना रहा हूँ, तो रशि वी आर लिविंग आवर ओल्ड लाइफ ओनली, चीयर्स, अच्छी मैंने तेरे को जिंदगी में ऐसी जिंदगी दिखी, तू मैरिड हो गई बैचलर लाइफ जी रहा है, थैंकफुल होना चाहिए, और क्या, आज इसने बहुत कोशिश की रशि को बुलवा दे कि पापा जोड़ो कर, कहते रशि कहती नहीं पापा अच्छे हैं, पापा की हड्डी तोड़ देगी, पापा की हड्डी तोड़ देगी, सो आई एम हैविंग टी टुडे विदाउट बिस्किट, बट दीस टू वुमेन आर हैविंग बिस्किट, बिस्किट बिना चाय जैसे, कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, मोटे बिना जिंदगी, सेंटी नहीं हो रहा है, मेरे मेरे बिना जिंदगी तेरी पागल,